तो नेक्स्ट है यहाँ पे वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। सो पानी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है अलग अलग सेक्टर्स में, और इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो 2/3 पॉपुलेशन है जो इंडिया की वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। 2/3 मतलब कि जो 100 करोड़ अगर तो लोग हैं, 100 करोड़ लोग में से जो 66% जो लोग हैं, ठीक है, या 66 करोड़ लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे इतना बड़ा पोर्शन है पॉपुलेशन का जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, सो ऑब्वियस इनको पानी ज्यादा मात्रा यहाँ पे चाहिए होगी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो इंडिया की वाटर की डिमांड है प्रेजेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा है इरिगेशन पर्पस के लिए, यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था के लिए, यानी कि फसलों को पानी देना है। सो पानी की जो डिमांड है इनकी बहुत ज्यादा है एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो। सो जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है कि जो एग्रीकल्चर है, जैसे कि यहाँ पे जो सरफेस वाटर, जो सरफेस से यहाँ पे जो पानी निकाला जाता है, सरफेस मतलब कि रिवर से, लेक से, जो पॉन्ड्स हैं यहाँ से जो पानी निकाला जाता है, इसमें एग्रीकल्चर की जो मात्रा है वो कितना, यहाँ पे 89% यहाँ पे जो सरफेस वाटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर यहाँ पे एग्रीकल्चर में कितना यूज किया जाता है, यहाँ पे 92% यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में जो ग्राउंड वाटर। और यहाँ पे जो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो शेयर है, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यहाँ पे आपको ज्यादा मात्रा में जो पानी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से शो हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पे जो सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन है वो कितना, ओनली 2% है। और अगर ग्राउंड वाटर में देखा जाए तो वो कितना है, यहाँ पे 5% जो इंडस्ट्री यहाँ से यूज करती है। डोमेस्टिक सेक्टर में अगर देखा जाए तो जो सरफेस वाटर है इसका जो हिस्सा है वो 9% हिस्सा है डोमेस्टिक, यानी कि जो घरों में यूज किया जाता है। और जो ग्राउंड वाटर है इसमें ओनली 3% जो हिस्सा है वो घरों में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। सो यहाँ पे सिंचाई के लिए जो पानी की डिमांड, ठीक है, कैसे बढ़ती जा रही है, सो इसके बारे में हम देखेंगे। सो कंट्री में जो लार्ज एरियाज हैं, जो बड़े बड़े एरियाज हैं वहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो ड्राउट एरियाज की कैटेगरी में आ जाते हैं, जहाँ पे सूखा पड़ जाता है सो उस कैटेगरी में आ जाते हैं। सो मेनली ये कौन कौन से एरिया हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का हिस्सा हो जाएगा, और जो डेक्कन प्लेटूज है यहाँ पे ये जो एरियाज हैं जहाँ पे बारिश है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं और ड्राउट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे पानी की जरूरत डेफिनेटली यहाँ पे पड़ती है, कुछ क्रॉप्स हैं उनको सिंचाई के लिए यहाँ पे पानी की जरूरत होती है। तो पानी जैसे कि यहाँ पे राइस जो क्रॉप्स होगी, शुगर केन, जूट, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में इनको पानी दिया जाता है, तब जाकर ये जो फसलें हैं यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो राइस, शुगर केन, जूट, इनको पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है एज कंपैरिजन टू जो अदर क्रॉप्स होती हैं, जैसे वीट हो गया या और क्रॉप्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो हाई यील्डिंग वराइटीज हैं क्रॉप्स की, उनको यहाँ पे मॉइस्चर यानी कि जो नमी है वो भी रेगुलर चाहिए होती है, सप्लाई टेक करनी होती है, मतलब कि थोड़ा बहुत उनको पानी रेगुलरली देना पड़ता है जो हाई वराइटीज होती हैं फसलों की, तो उसमें भी डेफिनेटली पानी का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। सो यहाँ पे जो पानी का इस्तेमाल है वो भी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे कौन कौन से एरियाज हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे मेनली वीट और राइस यहाँ पे उगाई जाती है। सो जिसके कारण यहाँ पे जो 85% से भी ज्यादा हिस्सा है यहाँ पे एरिया का वो अंडर इरिगेशन आता है। यहाँ पे जो इरिगेशन से यानी कि जो पानी है सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है यहाँ पे एज कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा यहाँ पे वीट और राइस मेनली यही खेती की जाती है, और इन्हीं खेती में से जो पानी है वो ज्यादा चाहिए होता है। तो जो टोटल नेट इरिगेटेड एरिया है पंजाब में वो कितना है, 76.1%, और हरियाणा में देखा जाए तो वो कितना है, 51.3%। जो यहाँ पे पानी की जरूरतों को पूरा किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, जो वेल्स या ट्यूब वेल्स होते हैं वहां से इन जरूरतों को पूरा किया जाता है। तो जो इरिगेशन सिस्टम होता है, मतलब कि यहाँ पे जो बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें जो सरफेस वाटर हो गया या ग्राउंड वाटर हो गया,
सो यहाँ पे बेसिकली इनका इस्तेमाल किया जा रहा है फसलों को उगाने के लिए पंजाब में और हरियाणा में बहुत बड़े लेवल के ऊपर। अदर स्टेट्स के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो टेबल में जो वेल्स और ट्यूबवेल्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि गुजरात में 86.6% देखने को मिलेगा, राजस्थान में 77.2%, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ये जो डाटा है। सो यहाँ पे जो वेल्स या ट्यूबवेल्स हैं, इनका इस्तेमाल बेसिकली किया जा रहा है इरिगेशन सिस्टम के लिए। तो ऐसे में जो ग्राउंड वाटर का ओवर यूज हो रहा है, यानी कि जो एक लेवल है उस लेवल से भी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है खेती के लिए, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है लेवल वो डेफिनेटली यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है। बहुत सारी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी और देखने को भी मिलेगा। आई होप आप जो भी स्टेट्स में रहते हो वहां पे ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो ज्यादा पानी यहाँ से निकाल लिया जाता है कुछ स्टेट से, जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसमें फ्लोराइड की जो मात्रा है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सिमिलरली जो आर्सेनिक की मात्रा है ये भी बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक पदार्थ होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। अगर पानी का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाए तो यहाँ पे जो नीचे जो पानी है उसमें ऐसे जहरीले यहाँ पे आपको पदार्थ देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल भी हम उनका इस्तेमाल पानी का नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ग्राउंड वाटर को ओवर यूज करते जाएंगे, लेवल इनका कम होता जाएगा, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। क्लियर है? सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक की ओर मूव करते हैं, इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम। सो वाटर प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, सो इनके बारे में देख लेते हैं। सो पर कैपिटा यहाँ पे पर व्यक्ति की जो पानी की उपलब्धता है ये डिक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। क्यों डिक्रीज होती जा रही है? ऑब्वियस, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी के साथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इंडिया की अगर हम बात, ऑब्वियस इंडिया की बात यहाँ पे की जा रही है। सो यहाँ पे जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें जो पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिली है। अब ये जो पॉल्यूशन पानी में आ रहा है सो कहाँ से आ रहा है? ये इंडस्ट्री से आ रहा है। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, यहाँ पे जो केमिकल्स वगैरह होती है वो ऐसे ही डिस्चार्ज कर देती है पानी में। उनका कोई भी अदर यहाँ पे वे सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा गवर्नमेंट के द्वारा या इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो ऐसे ही डिस्चार्ज किए जाते हैं पानी में, वही पानी को फिर यहाँ पे ह्यूमंस यूज करते हैं। तो ये जो पानी है ये क्या है? जहरीला पानी है। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। अब एग्रीकल्चर में जैसे हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो पेस्टिसाइड वो पानी में जब घुल जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे जहरीला बन जाता है। सो पेस्टिसाइड यहाँ पे कौन से सही होते हैं? उनमें भी यहाँ पे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनकी मात्रा पाई जाती है। सिमिलरली यहाँ पे डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स हो जाएंगे। अब जैसे घरों से पानी जो रिवर्स में ऐसी डिस्चार्ज कर दिया जाता है, अब जैसे घरों में जैसे हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं या सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, सो ऐसी बहुत सारी चीजें हम घर में यूज करते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये भी तो केमिकल्स ही होते हैं एक तरह से। अब इनका भी जो इस्तेमाल है वो डायरेक्ट हम रिवर्स में इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो पानी की प्रॉब्लम्स है ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? ह्यूमंस के द्वारा ही इनको बढ़ाया जा रहा है। तो इनके ऊपर बातें सब कुछ करता है लेकिन इनका जो सोल्यूशन है उसके बारे में कोई भी बातें नहीं करता। तो चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे आगे चल के इसके बारे में। तो नेक्स्ट है यहाँ पे डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। सो कैसे यहाँ पे जो पानी की क्वालिटी है वो दूषित होती जा रही है, सो इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो पानी की जो क्वालिटी है बेसिकली रेफर किया जाता है कि वो कितना ज्यादा पानी प्योर है, या जो पानी है उसमें जो फॉरेन सब्सटेंस है, जो बाहरी तत्व है वो कैसे उनमें आ रहे हैं या उनसे बिना, ठीक है। अगर तो यहाँ पे जो अदर सब्सटेंस हैं, जो भारी पदार्थ हैं, अगर पानी में नहीं आ रहे इट मींस वो जो पानी है वो प्योर होगा डेफिनेटली, ठीक है। सो वाटर क्वालिटी दैट इज कॉल्ड वाटर क्वालिटी। अब यहाँ पे जो वाटर है वो क्या हो रहा है? पॉल्यूट हो रहा है। पॉल्यूट कैसे हो रहा है? फॉरन मैटर्स के कारण, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, केमिकल्स, इंडस्ट्री और अदर वेस्ट, ठीक है। अभी हमने ऊपर इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। सो कुछ मैटर्स है यहाँ पे जो पोल्यूट करते हैं पानी की क्वालिटी को और बहुत ज्यादा वो नुकसानदायक होते हैं ह्यूमंस के इस्तेमाल के लिए। अब यहाँ पे कुछ सब्सटेंस होते हैं बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, जो लेक्स, रिवर्स, ओशन या अदर जो वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे टैंक्स, पॉन्ड्स हो गया, सो
इनमें चले जाती हैं और जिसके कारण वो पानी में घुल जाती हैं। फिर वही बाद में इंसानों के द्वारा या जानवरों के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण वो भी क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे जो पानी है वो पोल्यूट हो जाता है और यहाँ पे प्रभावित करता है जो एक्वेटिक सिस्टम होता है। एक्वेटिक सिस्टम होता है जो पानी में पौधे होते हैं या पानी में जंतु होते हैं, ठीक है, जीव जंतु जो होते हैं उनको यहाँ पे प्रभावित करता है ये जो गंदा पानी होता है। अब यहाँ पे जो गंगा यमुना ये टू हाईली पॉपुलेटेड रिवर्स हैं कंट्री में, बहुत ज्यादा यहाँ पे ये पोल्यूट हो चुकी हैं। तो डायग्राम एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे जैसे डायग्राम आपको दिख रही है, सो गंगा, सो यहाँ पे ये जो यमुना नदी है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे पुअर क्वालिटी यहाँ पे आपको पानी की देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो गंगा है यहाँ पे भी आपको पुअर क्वालिटी गंगा की देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके आसपास यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और साथ में यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है, वो क्या करती है, जो भी कूड़ा करकट होता है वो सभी ऐसे पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। सो ऐसा इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में बात करें, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे बात करेंगे। तो आई होप आपको पार्ट नंबर